नमस्कार, लाइक कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे समर रायता। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्याज लिया है 2 मीडियम साइज। इसे सबसे पहले हम बारीक बारीक स्लाइस करेंगे इस तरह से। फिर इसे बारीक हम चॉप करेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने यहाँ चॉप कर लिया है बारीक। अब हम करेंगे टमाटर। टमाटर को भी इसी तरह हमें बारीक चॉप करना है। सबसे पहले हम लंबे स्लाइसों में कट करेंगे, फिर इसे इसी तरह हम बारीक चॉप करेंगे। देखिए, हमने टमाटर भी चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने धनिया पत्ती और खीरा लिया है। खीरा को हमें कद्दूकस करना है, चॉप नहीं करना है। देखिए, हमने इसे कद्दूकस कर लिया। आपके पास मोटा कद्दूकस हो आप उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमने लिया है दही, जिसे मैंने पहले से ही अच्छे से फैट लिया है। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक, यानी ब्लैक सॉल्ट। हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमें वाइट नमक डालना है। काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम बारीक चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे और बारीक कटे हुए प्याज भी हम इसे ऐड कर देंगे और कद्दूकस किया हुआ हम खीरा भी इसी में ऐड कर देंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, जिससे कि दही और ये सब प्याज टमाटर खीरा अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती। इसे भी हम बारीक कट कर लेंगे इस तरह से और इसमें हम डालेंगे ड्राई मिंट्स। अगर आपके पास फ्रेश मिंट्स हो तो आप इसकी जगह फ्रेश मिंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च और जीरा, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था और इसे दरदरा मैंने कूट लिया है। इसे भी हम ऐड कर लेंगे और एक बार फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, जो कि हमने पहले काला नमक थोड़ा ऐड करा था, अब हमने सफ़ेद नमक ऐड करा है। और इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, तीखी रेड चिली पाउडर है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चीनी, यानी शुगर। देखिए, हमारा रायता बनके रेडी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।